क्या बात है, क्या बात है। बैक टू बैक दो दो गानों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं अनिमेश, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारे साथ अब होने वाले हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर। जी हाँ, थिएटर एक्टर है, एक्टिंग भी करते हैं, साथ ही साथ अब प्रोडक्शन में भी आ चुके हैं। बातें हो रही है इस वक्त नन अदर देन सचिन पारिक की, जो अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनकी मूवी भी रिलीज होने वाली है जैक एंड दिल में, वे एक अच्छे किरदार में, एक चैलेंजिंग किरदार में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ फाड़ू की छप्पी जो है वो तो धूम मचाई रही है, तो बहुत सारी चीजें लेकर उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। सचिन हमारे साथ है, उनके साथ चलिए बातें करते हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। हे, 91.9 एफएम से अनिमेश बोल रहा है, एंड आई एम सो ग्लैड टू स्पीक टू अनिमेश। सबसे पहले कलकत्ता की हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को, स्पेशली लिसनर्स, नॉट व्यूअर्स एंड ऑडियंस, लिसनर्स को आई शुड से समथिंग इन बंगाली, राइट? हमें सुनते हैं, प्लीज बोलिए। কেমন আছে কলকাতা কেমন আছে? আমরাও সবাই তোমায় খুব ভালোবাসি। আর বতা দু কি কলকাতা মে ইস মে হালকি হালকি বারিশ হো রহি হ্যায়, ও কেতে হ্যায় না আপ আয়ে বাহার আয়ে, খুব ভালো খুব ভালো। ক্যা বাত হ্যায়, বাংলা খুব 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 ভালো লাগে। क्या बात है, क्या बात है। वैसे वैसे सिटी ऑफ जॉय, चलिए सचिन, जब हम कोलकाता में इस वक्त आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, तो हम सिटी ऑफ जॉय लेकर जाना चाहेंगे। कभी कोलकाता आना जाना लगा रहता है, आते हैं? यार बहुत टाइम से आना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रसगुल्ला तो बहुत मिस करता हूँ मैं कलकत्ता का। और पहले पहले तो थिएटर के लिए आना होता था, मैं गुजराती थिएटर से बिलोंग करता हूँ, तो गुजराती थिएटर में काफ़ी सारे शोज वहाँ पर होते थे, और हम दो या तीन दिन के लिए आते थे और पाँच छः शो करके जाते थे, और वहाँ के पुचके और रसगुल्ला खाए बिना जाते नहीं थे वहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी, बहुत टाइम से नहीं आया हूँ कलकत्ता, और मुझे बहुत जल्द आने की इच्छा है। बिल्कुल सचिन, हम चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी कोलकाता शहर में आए, स्टूडियो में बैठ के ढेर सारी आपके साथ बातें करनी है। वैसे थिएटर लेके जब बातें हो रही, तो हम सब जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, और साथ ही साथ आप प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। तो ये जो इतनी लंबी आपकी जर्नी है, इस सफर में कितना सफर करना पड़ा है सचिन को? यार सफर तो यही कह सकते हैं कि वो दूसरे वाले सफर की बात ना करते हुए, सिर्फ जर्नी की बात करें तो वो सफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का मजा है। जिंदगी का मजा तो उसी सफर का है जी, क्योंकि आई बिलीव दैट सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। सो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए ये जर्नी हमेशा चलती रहे, उसमें जो भी सफरिंग आए अच्छे अच्छे से खिलखिलाते हुए उसे फेस करते हुए पार करना चाहिए, यही मेरा मैसेज है हमारे बिजनेस को, और वही मैंने भी किया है आज तक। बेसिकली एज एन एक्टर ही कहा जाए, प्रोड्यूसर तो चलो थिएटर में एक अटैचमेंट बनी रहे, इसलिए मैं थिएटर के कुछ शोज प्रोड्यूस करता रहा हूँ, लेकिन एज एन एक्टर मेरी जर्नी शुरुआत बहुत टाइम पहले हुई है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जर्नी। शुरुआत की थी थिएटर के कुछ पहले शैले प्लेस से, जो मैंने 2002 या 1 में शुरू किए थे, कमर्शियल प्लेस, और उसमें 350 रुपये मिलते थे भाई पर शो। और ऐसा होता था कि भाई पढ़ाई भी साथ में चल रही थी, मैं बीकॉम भी कर रहा था, एलएलबी भी कर रहा था, और तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हाँ, लेकिन ये बात थी कि भाई प्रोड्यूसर को मैंने ये बता के रखा था कि भाई मेरी पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर मैं थिएटर करना चाहूँगा मैं डेफिनेटली करूँगा, आपको ये मेरे शोज के साथ साथ मेरी एग्जाम्स को संभाल लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन के साथ थिएटर की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, एंड मुझे इंडस्ट्री ने काफ़ी सारी चीज़ें दी है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, और अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर, और बहुत मज़ा आ रहा है इंडस्ट्री के अलग अलग पहलुओं को जानने में। एज एन एक्टर काफ़ी चैलेंजिंग होता है काम, एंड साथ साथ में फैमिली को टाइम देना और अपना काम संभालना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो एंड एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिस्ट आल्सो। बिल्कुल सचिन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके रोल को हमेशा से पसंद किया गया है, आपके कैरेक्टर्स को अगर हम बातें करें, संजय व्यास का कैरेक्टर हो, अजय दीवान का कैरेक्टर जो हमने तारक मेहता में देखा है, सारी साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं सचिन पारिक जो हमेशा से अच्छे अच्छे किरदार में हमेशा नजर आए हैं, यानी कि शिव शर्मा का भी अगर रोल हम कहें, सभी के दिमाग में वो छाया हुआ है। तो बता चाहेंगे आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहेगा इन सब में से? यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो अगर मैं बोलूं कि टेलीविजन में ना होते हुए अभी एक फिल्म आ रही है मेरी, जिसमें मैंने बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया है, एक मुस्लिम लड़के का किरदार प्ले किया है मैंने, और वो बजरंग अली करके एक फिल्म है,
उसमें अली का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, और उज्जैन की छोटी टाउन की कहानी है, वहाँ का बैकड्रॉप है, तो मुझे वो रोल करने में बहुत मजा आया और काफी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मुझे उर्दू भी बोलनी थी, मुझे अजान भी गानी थी, मुझे काफी सारी चीजें ऐसी करनी थी जो मैंने लाइफ में नहीं की है। और गेटअप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज एक गुजराती होने के नाते मुझे एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करना था, तो वो लुक भी बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा वो रोल। तो बहुत जल्दी आपके सिनेमाघरों में, आपके आसपास के लोगों के थिएटर में बहुत जल्दी वो फिल्म रिलीज होगी, और आई होप कि सब लोग को मजा आए वो रोल देखने के लिए और वो फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को इंतजार है इस मूवी का। साथ ही साथ है, कुछ बताना चाहेंगे, फाड़ू की झप्पी धूम मचाने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा जी, आपको भी फाड़ू की झप्पी के बारे में पता है जी। तो फाड़ू की झप्पी तो ये है कि फाड़ू की झप्पी ऐसा ही है कि मैं, हमारे जितने भी टीवी के कलाकार हैं, जो मेरे को एक्टर्स हैं, मेरे चहेते दोस्त हैं, और प्रेक्षकों के, ऑडियंस के जो चहेते स्टार्स हैं, उनके साथ बैठ के मैं बहुत ही मजे कर रहा हूँ, बहुत ही फन लविंग इंटरव्यूज कर रहा हूँ ये फाड़ू की झप्पी नाम के शो में। ये NTV ह्यूस्टन की एक चैनल है, अमेरिका की चैनल है टेक्सास में, वहाँ पर ये ऑन एयर होने जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम डेफिनेटली उसको NTV के ऐप पे भी देख पाएंगे, और उसके बाद हम काफ़ी सोशल मीडिया की चैनल्स पे भी उसे यहाँ पर इंडिया में देख पाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फाड़ू की झप्पी वाला, एक गपशप वाला, मस्ती वाला इंटरव्यू है जो मैं हर एक मेरे को एक्टर्स के साथ करता हूँ, एंड बीइंग अ होस्ट मुझे बहुत मजा आता है उनको होस्ट करने में भी, उनको रिसीव करने में भी, और उनके साथ बहुत सारी गपशप करने में। बिल्कुल, आपको तो कैटरीना से भी कॉल आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आप तो भी बताया कि कैटरीना का भी कॉल है, उनको मैंने बोला कि भाई हाँ हाँ मैं बुलाऊंगा आपको, बुलाऊंगा, तो ये भी मैंने उनको बोल दिया है। आलिया को भी बोल दिया, आलिया के चाचा के साथ भी मेरा अच्छा सा इंटरव्यू हो गया है, रॉबिन जी के साथ जी। तो रॉबिन जी ने मुझे बोला है कि भाई आलिया अभी बहुत जल्दी आपके शो में आने वाली है, तो उसी बात का इंतजार रहेगा फाड़ू की झप्पी की और हमारी पूरी टीम को भी, कि बहुत जल्दी हम ऐसे कलाकारों के साथ भी इंटरव्यू करें जो लाखों करोड़ों के चहेते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे और भी इंटरव्यूज इसी तरह करते रहे और फाड़ू की झप्पी जो है वो धूम मचाते रहे। वैसे अब मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थिएटर के साथ आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो अभी इस वक्त इंडिया में थिएटर की क्या सिचुएशन है, क्या क्या हाल है, कुछ अगर बताना चाहें हमें? देखिए अनिमेश, थिएटर की तो हमेशा एक लवेबल ऑडियंस रही है, और मुझे हमेशा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ थिएटर की एक बहुत ही क्लासी ऑडियंस है, और वो प्रेक्षक जो है वो ऑडियंस थिएटर को बहुत पसंद करती है, उनकी खुद की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, और थिएटर के एक्टर्स की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। और आज जो देखा जाए आपका क्वेश्चन का आंसर करते हुए, कि थिएटर बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, प्रोवाइडेड उसको अच्छी तरह से निभाया जाए, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन टीम, एक्टर्स, ये सारे लोग मिलके बहुत मेहनत करते हैं थिएटर में, और थिएटर में आने के बाद मजे हुए कलाकार बनते हैं, मजे हुए इंसान बनते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ स्कूल फॉर एज एन एक्टर, फॉर एनी लॉट ऑफ टेक्निकल टीम पीपल हु आर हैंडलिंग द बैक स्टेज, हैंडलिंग द टेक्निकल साइड ऑफ म्यूजिक, लाइट्स, आर्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से जब सीख के थिएटर से लोग आते हैं तो बहुत ही मंझे हुए बन जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग, और बोलते हैं ना कि भाई जब वहाँ पर घिस घिस के, अगर अगर किसी पत्थर को घिस घिस के एकदम तराशा जाए, तब जाके वो चमकता है, वो सोना बनता है। तो वो थिएटर ऐसी चीज है कि जो कभी मरेगा नहीं, उसको हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा, और इसके लिए मैं सचिन पारेख भी उतनी ही कोशिश कर रहा हूँ कि वो थिएटर हमेशा जिंदा रहे, हमारे दिलो दिमाग में छाए रहे, और कहीं ना कहीं मैं थिएटर के साथ जुड़ा रहूं, जिससे मैंने एज एन एक्टर कदम रखा है, जहां से मैंने एज ए स्कूल शुरुआत की है। और मैं बाकी के एक्टर्स को भी बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप थिएटर से बिलोंग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई नीला शिकवा नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको चांस मिले तो या तो एज एन ऑडियंस आपको थिएटर देखना चाहिए, या तो फिर अगर चांस मिले तो आपको कहीं ना कहीं थिएटर में काम करना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एज एन एक्टर पता चलेगा, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे थिएटर, एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट क्या पहचान होती है, सचिन आप क्या कहेंगे? देखिए थिएटर आर्टिस्ट की तो पहचान यही है कि आपको कोई भी किरदार मिले, आप उसे शिद्दत से निभाएं, फिर वो इट इज एज नो बार,
sex, no bar. No, we travel with different characters in our life as an actor. तो थिएटर में ना ही हम एज देखते हैं, अगर मुझे मैं आज अगर 35 साल का हूँ और अगर मुझे 55 साल का 60 साल का बनना है तो वो शायद कैमरे के सामने इतना कन्विंसिंग ना लगे, लेकिन जब स्टेज पर जाते हैं तो वही किरदार हम इतनी शिद्दत से निभाते हैं, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हमारे सर के बाल से लेकर हमारे पैर की जूती तक हम क्या बॉडी लैंग्वेज निभाते हैं वो एज ग्रुप को ध्यान में रख के वो सीखना मिलता है हमें एज एन एक्टर। वो आप इवॉल्व होते हैं और वैसे कई अलग अलग पहलू हैं एज एन एक्टर आप थिएटर में सीख पाते हैं, तो वो एक डिफरेंस जब हम कैमरे के सामने आते हैं या बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, बिकॉज हम लाइव ऑडियंस को फेस कर रहे हैं वहाँ पर, और वो लाइव ऑडियंस वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर रीटेक्स नहीं होते। स्टेज पे हम जब भी एक दो ढाई घंटे तक परफॉर्म कर रहे हैं तो वो थ्रू आउट परफॉर्म करते हैं, तो उसी का मजा है और उसी से एक एक्टर इवॉल्व होता है। सो दैट इज वॉट आई थिंक there's a differentiate between a theater actor and a non theater actor. क्या बात है जाते हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी से क्या कहना चाहेंगे, जैक एंड डिल रिलीज होने वाली है, कुछ कहते हैं? मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई शुरुआत में ही कि आ मैं तुम आपकी भालो बाशी, आई लव यू ऑल, आई लव यू एंड बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को कितने दिन से नहीं मिला वो जरूरी नहीं है, कितने दिल से मिला वो जरूरी है। तो आपके लिए छोटा सा एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि आप बुरी आदतों से या किसी भी तरह के व्यसन से, क्योंकि आई एम बीइंग अ कंप्लीट टीटोटलर एंड आई डोंट हैव एनी वाइसेस, आप अगर कोई नशा करते हैं तो प्लीज प्लीज आप नशे से दूर रहिए एंड आपके पर्यावरण को, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास का पर्यावरण अच्छा होगा तो आप भी अच्छे होंगे। Because we ultimately are God's own child, and that's why हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम खुश रहेंगे तो आसपास के लोग खुश रहेंगे, लेकिन अगर आसपास के लोग खुश नहीं रहेंगे, आसपास का environment खुश नहीं रहेगा, तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। So that is a message for all these lovely people out there. बिल्कुल सही बात आपने की सचिन, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। एक बार फिर से फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से, कोलकाता के लोगों की ओर से, आपके फैंस की ओर से, आपके नए मूवी के लिए और फारूकी झप्पी के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। बता दूं अनिमेश, आपको ये भी बता दूं कि 2 नवंबर को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जैक एंड डिल जी, उसमें भी मैंने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया है। तो प्लीज मेरे जितने भी ऑडियंस है आप प्लीज ये फिल्म देखने जाइएगा। ये फिल्म में अरबाज खान है, अमित साध है और मैं भी एक अच्छे से किरदार में देखने मिलूंगा आपको, जहां पर मैंने एक ऑथेंटिक जापानीज लैंग्वेज बोली है। क्या बात है। सो आई एम श्योर यू ऑल लिसनर्स विल लव दिस फिल्म एंड लव मी इन द फिल्म। कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनिमेश। थैंक यू सो मच सचिन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट अनिमेश, प्लेजर। वी नीड माय सर, नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर सचिन पारिक, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। सुनते रहो, साथ रहो, ये है फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की।